नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश पुनिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अच्छी शिक्षा ऑफिशियल पे। फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं हमारे साथ से लाइव कनेक्ट हो जाएं बेहतरीन तरीके से। जैसा कि आपको पता है 7 बजे की हमारी क्लास का टाइम होता है, 7:15 हो चुके हैं और सेशन को हम अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे। बच्चों आज की क्लास में डी ग्रुप हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण क्लास साइंस की, जैसा कि आपको पता है 1 घंटे डिस्कस करते हैं बहुत ही बेहतरीन साइंस के प्रश्नों के बारे में। और आज डिस्कस करेंगे दीपक भयान, राम राम भाई। एक बार सारे के सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ने चाहिए, पढ़ाने का भी मजा आएगा और आपको पढ़ने का भी मजा आएगा बहुत अच्छे तरीके से। नरपाल साहब नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। तो चलते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। नीलम नमस्ते, मोरवाल साहब राम राम भाई। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या कहता है देखिए अच्छे तरीके से। घरों में लगे पंखे बल्लव आदि लगे होते हैं, क्या कह रहा है? देर आर द फैन बल्लव एक्सेट्रा इन हाउसेस। हमारे घरों में जो पंखे बल्लव वगैरह होते हैं, शोकन साहब, लक्ष्मी वर्मा सभी को नमस्ते भाई, वो किस क्रम में लगते हैं? इन सीक्वेंस श्रेणी क्रम संयोजन में लगते हैं क्या? मिक्स ऑर्डर मिश्रित क्रम में लगते हैं क्या? पैरेलल ऑर्डर समानांतर क्रम में लगते हैं क्या? या किसी भी क्रम में लगाया जा सकता है, या किसी भी क्रम में लगाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे घरों में जितने भी होम अप्लीकेंस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, बिजली से चलने वाले यंत्र हैं, वो सारे के सारे किसमें कनेक्ट होते हैं? प्रिया पानू गुड इवनिंग, सभी के सभी कनेक्ट किसमें होंगे बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें जुड़ते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। घरों में लगने वाले सारे इक्विपमेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं बच्चों। कैसे सर बताइए, मैं आपको बता देता हूं। जिस तरीके से अगर बात करें बेटा किसकी, रेजिस्टेंस की, किसकी बात करें? रेजिस्टेंस प्रतिरोध। तो करंट को रोकने का काम कौन करता है? प्रतिरोध। दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं सर, कौन कौन से? एक होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम प्रतिरोध के अंदर एक प्रतिरोध दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, यानी कि एंड टू एंड कनेक्शन हो रहा है। अगर सारे मान लो घरों में यहां से करंट, इस सर्किट में यहां से मैंने आई करंट दे दिया, सारे यहां बल्ब लगा है, यहां टीवी लगा है, यहां फ्रिज लगा है, अगर एक ही सर्किट में टोटल मान लो वोल्टेज आ रही है आपकी 100 वोल्ट आ रही है करंट, ठीक है, तो टीवी को 50 वोल्ट चाहिए, फ्रिज को 100 वोल्ट चाहिए, बल्ब को 20 वोल्ट चाहिए, सभी को अलग अलग चाहिए, लेकिन आ रही है सभी में इकट्ठी 100 100 100, तो सारे इक्विपमेंट तो नहीं चल पाएंगे एक साथ। इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। राव संजय कुमार नमस्ते भाई, इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय। तो ऐसा ना हो इसीलिए किस में जोड़े जाते हैं? पैरेलल में। ये कैसा कॉम्बिनेशन है सर? ये है श्रेणी क्रम। ये कौन सा क्रम संयोजन है? ये है सर श्रेणी क्रम संयोजन। कैसा संयोजन है ये? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरीके से रेजिस्टेंस जिस कॉम्बिनेशन में जुड़ी होगी ना, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? ये हो जाएगा सर पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहां से ये आई करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। ये रेजिस्टेंस R1 हो गया और ये क्या है सर? R2। यहां से करंट बाहर निकल जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में घरों में लगे हुए सारे के सारे यंत्र, ये जितने भी परिपथ हैं, जितने भी सर्किट हैं, सारे किस कॉम्बिनेशन में होते हैं सर? समानांतर क्रम संयोजन में होते हैं। किस संयोजन में होते हैं? पैरेलल में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सही उत्तर है। सीरीज में नहीं लगाया जा सकता इनको। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। बताइए समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से बताएं एक बार, सारे बच्चे कमेंट करें ये प्रश्न समझ आया क्या, और सेशन को शेयर कर दो भाई दबा करके। मैक्सिमम विद्यार्थियों तक क्लास पहुंचनी चाहिए, तो सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो बढ़िया तरीके से। चले अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है हमारा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है देखो, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड। क्या कह रहा है? साउंड एनर्जी एक पर्टिकुलर एरिया से गुजर रही है, इकाई क्षेत्रफल में से हर सेकंड पास होने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया कि इस एरिया में से क्या गुजर रही है बेटा? साउंड गुजर रही है। क्या गुजर रही है? साउंड। तो
इकाई क्षेत्रफल से हर सेकंड में पास होने वाली ध्वनि ऊर्जा क्या कहलाती है? पिच कहलाती है, म्यूजिक कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है या नोट कहलाती है? जल्दी से उत्तर दो बेटा, जल्दी से उत्तर दो बेटा। राव संजय कुमार, बिल्कुल सही आंसर दिया बेटे आपने। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे सर? देखो, इंटेंसिटी बराबर होती है, इंटेंसिटी को डिनोट करेंगे आई से। आई किसके बराबर होता है सर? साउंड एनर्जी पासिंग। साउंड एनर्जी गुजर रही है, साउंड एनर्जी पासिंग पर्टिकुलर एरिया से। साउंड एनर्जी किससे गुजर रही है? एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल से गुजर रही है। किसी भी साउंड एनर्जी का एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल से गुजरना क्या कहलाता है सर? इंटेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेंसिटी कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। तो इंटेंसिटी आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा दीपक भ्याण, सही उत्तर है बेटा आपका। इंटेंसिटी क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है आपका यहां से। ओके, क्लियर है, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है स्पीड ऑफ वेव, एक वेव की स्पीड है कितनी? 200 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। उसकी वेवलेंथ कितनी है? आधी। वेवलेंथ कितनी है सर? आधी। फ्रीक्वेंसी पता करनी है, फ्रीक्वेंसी पता करनी है। क्या कह रहा है कि एक तरंग की चाल 200 मीटर पर सेकंड है और उसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कितनी है? हाफ मीटर है। तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तरंग की आवृत्ति क्या होगी हमें यह बताना है। 400 हर्ट्ज होगी क्या? 370 हर्ट्ज होगी क्या? 80 हर्ट्ज होगी क्या? या 110 हर्ट्ज होगी? या 110 हर्ट्ज होगी, बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या कहा गया? एस का मतलब क्या है यहां पे? साउंड वेव की स्पीड है। स्पीड किसके बराबर है सर? स्पीड बराबर होती है वेवलेंथ लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी के। हमें निकालनी क्या है सर? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एस बाई क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा। एस कितना है प्यारे बच्चे? एस है सर 200 मीटर पर सेकंड। कितना है? 200 मीटर पर सेकंड है बाई में। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका? वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी है? हाफ मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 0.5 हो गया, 0.5 हो गया। काटोगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका? 400 हर्ट्ज आ जाएगा। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 400। देख लीजिए, काट के इनटू में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 हर्ट्ज आ जाएगा। बताइए जल्दी से। यशोदा नमस्ते, समझ आ रहा है क्या? फटाफट से सारे बच्चे बता दो। तो बिल्कुल दीपक भ्यान, पिछले प्रश्न का आंसर आपका सी था। इस प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है आपका? 400 हर्ट्ज। क्या कह रहा है? 400 हर्ट्ज। बिल्कुल सुमित शोकंद भाई ने उत्तर दे दिया है। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 400 हर्ट्ज। 400 हर्ट्ज बेटा, फ्रीक्वेंसी की इकाई तरंग दैर्ध्य के बाद। तरंग दैर्ध्य के बाद अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को मापने की जो इकाई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? ईच सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन किसी वेव ने किए हैं। एक सेकंड में एक वेव कितने चक्कर लगा रही है, वो क्या कहलाएगी आपकी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी? आवृत्ति कहलाएगी बेटा। एक वेव एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है, उसे क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे? आवृत्ति कहेंगे। समझ आया क्या? क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने के लिए असफल होता है, तो वो क्या करता है बताओ। एक आदमी एक दीवार को धकेल रहा है लेकिन उसको धकेल नहीं पा रहा, लेकिन उसको धकेल नहीं पा रहा है वो, तो वो क्या करता है ये बताओ? असफल रहता है वो उसको धकेलने में। तो उसके द्वारा किया गया काम कितना होगा? वो कोई भी कार्य नहीं करता। दूसरा बात, वो ऋणात्मक यानी कि क्या वो नेगेटिव कार्य करता है क्या? तीसरी बात, धनात्मक कार्य करता है परंतु अधिकतम कार्य नहीं करता। धनात्मक कार्य तो वो पॉजिटिव करता है लेकिन वो अधिकतम कार्य जो है नहीं करता, ठीक है। राव संजय कुमार ने उत्तर दिया है। और
अगला क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। कोई भी कार्य नहीं होता, वन ऑफ नॉन ऑफ द वर्क, नॉन ऑफ द वर्क। ऐसा क्यों है सर? देखो बच्चों, ऐसा किस लिए है, अगर बात की जाए, ध्यान से देखना, वर्क की बात करें, फिजिक्स की भाषा में वर्क किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस के बराबर होता है। अगर कार्य किसके बराबर होगा फिजिक्स की भाषा में, ये ए ऑब्जेक्ट है, कोई भी ए पोजीशन पे ये डब्बा रखा है 5 किलोग्राम का, इस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा, इस पे लगेगा सर फोर्स, क्या लगेगा सर, बल लगेगा। जब इस पे बल लगेगा तो ये ए पोजीशन से डिस्प्लेस होकर के कहां चला जाएगा सर, ये चला जाएगा 5 किलोग्राम का डब्बा बी पोजीशन पे, यानी कि इसने कुछ ना कुछ क्या तय की, डिस्प्लेसमेंट तय की। सपना गुड इवनिंग बेटा, इसने कुछ ना कुछ क्या की बेटा, डिस्प्लेसमेंट तय की। ये ए से कहां चला गया, बी पे चला गया, यानी कि इस पे क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। यही वर्क क्या कह रहा है आपका, कि जब फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे, बल लगेगा, तो वो बॉडी दूरी को तय करेगी, वो बॉडी डिस्टेंस को कवर करेगी। ये फिजिक्स की भाषा की बात कर रहा हूं मैं। दैनिक जीवन में मान लो आप पढ़ रहे हैं, तो आप काम तो कर रहे हैं ना, लेकिन आप डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, आप क्या नहीं कर रहे, डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहे, इसलिए क्या कहा जाएगा बेटा, आपने कोई काम किया ही नहीं। जिस तरीके से एक महिला नलकूप से पानी भर के लाती है दिन में 10 मटके, अब वो मटकों की प्रेफरेंस में देखा जाए तो महिला क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मटके डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे। तो मटकों के अनुसार महिला निकम्मी है, पूरा दिन घर बैठी रहती है, उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन दैनिक जीवन में तो वो काम कर रही है बच्चों, लेकिन दैनिक जीवन में तो कोई काम कर रही है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार उसने कोई भी वर्क नहीं किया है, फिजिक्स के अनुसार उसने कोई भी वर्क नहीं किया है, जीरो वर्क किया है। इसीलिए देखो यहां पे, तो W इज इक्वल टू क्या है, देखो डिस्टेंस, हमने क्या कहा कि सर ये दीवार है, ये क्या है, कोई भी दीवार है, और इस दीवार को एक आदमी धकेल रहा है, इस दीवार को एक आदमी पूरा फोर्सफुल तरीके से क्या कर रहा है, धकेल रहा है, लेकिन इसको वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, विस्थापन इसमें नहीं होगा, विस्थापन क्या हो जाएगा इसका, जीरो। ये इसको यहां से धकेल नहीं पा रहा है, ये बॉडी यहीं रहेगी। अगर ये इसको नहीं धकेल पाया, बॉडी यहीं रही, तो डिस्टेंस ही जीरो कवर की, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। फोर्स जीरो तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि उस आदमी ने कोई भी काम नहीं किया, यानी कि उस आदमी ने कुछ भी वर्क नहीं किया है। फॉर्मूले को थोड़ा सा और खोल के लिख सकते हैं क्या, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं बेटा, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। कोस की वैल्यू जीरो हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी जीरो, और फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। समझ में आएगी बात, डिस्टेंस कवर हुआ ही नहीं, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बना ही नहीं बेटा, तो कोस की वैल्यू ही जीरो है, एंगल की वैल्यू भी जीरो हो गई। कोस थीटा किसको दर्शाता है सर, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में बनने वाला जो ये कोण है ना, ये कहलाएगा आपका क्या, कोस थीटा। क्या कहलाएगा बेटा, कोस थीटा। कोस की वैल्यू 180 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क। कोस की वैल्यू 90 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करें भाई शानदार तरीके से, देखिए एक एक बात आपको मैं डीपली समझा रहा हूं, तो एक बार सारे विद्यार्थी शानदार तरीके से सेशन को क्या करें, शेयर करें क्लास को। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अगला प्रश्न क्या कहेगा हमारा, तो इस प्रश्न के बारे में अच्छे तरीके से समझे क्या, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कार्य नहीं होगा, नन ऑफ द वर्क है। क्या है, नन ऑफ द वर्क है। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है आपका, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। विद्युत हीटर का एलिमेंट जो है, इलेक्ट्रिक हीटर का जो एलिमेंट है वो किस धातु का बना होता है, वो किस धातु का बना होता है, फटाफट से बताओ। नाइक्रोम का बना होता है क्या, कॉपर का बना होता है क्या, एल्यूमिनियम का बना होता है क्या, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी सी बता दीजिए। थैंक यू नरपाल, जल्दी सी बताइए क्या पूछ रहा है, विद्युत हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है, कौन सी धातु का बना होता है, जो तार आप लेकर के आते हैं वो
कौन सी धातु का? राव संजय कुमार भाई, आंसर आपका बिल्कुल सही है, आंसर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, नाइक्रोम। क्या है बेटा? नाइक्रोम धातु का बना होता है। यही कॉपर की बात कर लेना तो कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर है सर। इलेक्ट्रिकसिटी का क्या है सर? सुचालक है। विद्युत तार और विद्युत इक्विपमेंट बनाए जाते हैं किससे? कॉपर से। किससे? कॉपर से। ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली सिंगल मेटल कौन सी? पारा, मरकरी आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। संदीप बेनीवाल नमस्ते भाई। तो अगला पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एल्यूमिनियम की बात करें ना तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर, किसकी बात करें? एल्यूमिनियम की। अर्थ क्रस्ट पे पाई जाने वाली मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाने वाली मेटल है बेटा, मैक्सिमम अमाउंट में, अर्थ क्रस्ट पे मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाने वाली धातु है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम है। याद रखेंगे क्या है? एल्यूमिनियम है। क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे। तो हीटर का वायर नाइक्रोम से बनता है। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक बल्लव के बारे में, किसके बारे में? इलेक्ट्रिक बल्लव के बारे में, तो बल्लव का फिलामेंट बहुत बार पूछा जाता है। बल्लव का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का। किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। किससे करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं टंगस्टन को। इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, टंगस्टन जो है ना बेटा वो हैवीएस्ट मेटल होता है। क्या होता है? हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी धातु, प्रकृति में सबसे भारी, भारी नहीं सॉरी आर्डेस्ट, सबसे कठोर धातु पूछ लिया जाए तो सबसे कठोर धातु कौन सी होगी आपकी? टंगस्टन होती है। कौन सी होती है बेटा? टंगस्टन होती है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? टंगस्टन होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। लिरिक्स लाइफ नमस्ते भाई। मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है किसका? टंगस्टन का। किसका बेटा? टंगस्टन का। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बातें सारी की सारी? चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है रवि, चलते हैं बेटा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द सन, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटे? अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण। क्या कह रहा है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। एनर्जी इज फॉर्म्ड इन सन, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है क्या? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है क्या? या ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, या अवकरण अभिक्रिया यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। सर लिथियम और ऑस्मियम के बारे में एक बार बता दो बेटा। लिथियम और ऑस्मियम की बात करें ना तो दो मेटल होंगी लिथियम और ऑस्मियम। सबसे हल्की होती है लिथियम और ऑस्मियम सबसे भारी होती है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, ऑस्मियम सबसे भारी होगी। ओके, बहुत से बच्चों ने बी ऑप्शन उत्तर दिया है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है न्यूक्लियर फ्यूजन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है बेटा? बिल्कुल सही है, बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। बाय न्यूक्लियर फ्यूजन आपका क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन में सर, नीतू नमस्ते नमस्ते, प्रणाम बिटिया, रवि शर्मा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका। देखो हमने क्या कहा, न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि दो छोटे छोटे जो हल्के एलिमेंट होंगे ना, जिस तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के H2 बन गया और H3, ठीक है, दोनों मिलकर के दो हल्के हल्के एटम, ठीक हो नीतू आप बताइए कैसे? तो आपने क्या कहा, दो जो हल्के एलिमेंट हैं वो मिलकर के और एक हैवी एलिमेंट का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? एक हैवी एलिमेंट का। जिस तरीके से दो हाइड्रोजन के एटमों ने मिलकर के क्या बना दिया? हीलियम बना दिया। क्या बना दिया? हीलियम बना दिया। तो एनर्जी क्या हुई बेटा? क्रिएट हुई। एनर्जी का क्या हुआ? उत्पादन हुआ। समझ में आई क्या बात? फटाफट से बताएं। थैंक यू भाई। चलिए
एनर्जी का क्या हो रहा है बेटा? उत्पादन हो रहा है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बोलेंगे, फ्यूजन। फिजन की बात कर ले जाए ना, तो फिजन का मतलब क्या होता है? किसी हैवी मेटल को, हैवी एलिमेंट को या किसी हैवी पार्टिकल को तोड़ करके क्या किया जा रहा है? एनर्जी का निर्माण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एनर्जी का निर्माण किया जा रहा है। फिर क्या कहेंगे बेटा? उस कंडीशन में कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी सर? फ्यूजन। फ्यूजन का फिजन, फिजन का मतलब बिखर जाना, फ्यूजन का मतलब इकट्ठा होना। दो हल्के पार्टिकल मिलकर के एक हैवी को बना रहे हैं, और एक हैवी को जब तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर? फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन किस केस में होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर के केस में। किस केस में होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर के केस में फिजन की अभिक्रिया होती है, ठीक है। एक हैवी एलिमेंट जो होगा, जिस तरीके से मैंने कहा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम है, तो यूरेनियम में विभाजन होगा, टूटेगा यूरेनियम। यूरेनियम जब टूट रहा है तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगी और एनर्जी का निर्माण होगा। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगी और किसका निर्माण हो जाएगा? एनर्जी का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई? तो फिजन वाली अभिक्रिया कहाँ हो रही है? न्यूक्लियर रिएक्टर में, और फ्यूजन का हो रहा है सन के अंदर जो ऊर्जा बन रही है। ओके, क्लियर। एक बार सारे बच्चे जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं कमेंट करके ये बताएं, समझ आ रही है क्या सारी बातें अच्छे तरीके से? और शेयर जरूर कर दें क्लास को फटाफट से। चले आगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इफ वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर, हम इक्वेटर की तरफ जाएं, पोल्स की तरफ जाएं, टूवर्ड द पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं, देन द वैल्यू ऑफ, तब वैल्यू क्या होगी किसकी? जी की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी है? जी की, ग्रेविटी की वैल्यू। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बताना है, बढ़ेगा, घटेगा, सेम बना रहेगा या उपयुक्त में से अधिक तो हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी सी बता दें, जल्दी सी बता दें। जी का मान इंक्रीज होगा। सपना ने उत्तर दे दिया है, ए ऑप्शन आंसर दिया है बिटिया ने, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही कहा आपका उत्तर। जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज होगा, जी की वैल्यू बढ़ेगी। राव संजय कुमार बिल्कुल सही, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे? ध्यान से सुनना बेटा, कैसे बढ़ेगी सर? हमने कहा कि ये अर्थ है और अर्थ के दो पोल पे है। आप मान लो ये नॉर्थ साउथ पोल मान लिए, दो पोल हैं, तो पोल के ऊपर वैल्यू क्या है सर? जो ध्रुव है, जो पोल है, तो पोल की तरफ बढ़ेंगे ना, तो पोल पे जी का मान क्या है सर? मैक्सिमम है। पोल के ऊपर जी का मान क्या है? मैक्सिमम। अपवर्ड जाएंगे, ये अर्थ का सरफेस हो गया, अर्थ के सरफेस से अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जी का मान क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डाउनवर्ड टू द अर्थ आ रहे हैं, ड्यू टू अर्थ, अर्थ के अंदर की तरफ आ रहे हैं तो भी जी का मान क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है। और जी के सेंटर की बात कर ले, किसकी बात कर ले? जी के सेंटर की बात कर ले, जी के केंद्र की बात करें तो केंद्र में जी का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अर्थ के केंद्र में क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। राम राम ढांडा साहब, गुरमीत ढांडा, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो फटाफट से बता दीजिए क्या क्लियर हुआ क्या? जी का मान इक्वेटर पे, पोल पे क्या रहेगा? इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो पोल पे क्या रहेगा बेटा? मैक्सिमम रहेगा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम होगा, नीचे की तरफ ड्यू टू अर्थ आएंगे कम हो जाएगा, सेंटर पे जी का मान जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर है क्या? चलते हैं आगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा ध्यानपूर्वक तरीके से। अगला प्रश्न क्या कहता है देखो, सब मरीन ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड बाय यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड। सब मरीन जो होता है, सब मरीन का मतलब क्या है बेटा? एक प्रकार से पानी वाला जो जहाज है, ठीक है। तो जलमग्न वस्तुओं को किस यंत्र का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है? पता लगाया जा सकता है। सबमरीन या पानी वाले जहाज इस यंत्र का क्या करते हैं बेटे? इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। फटाफट से बताइए, जलमग्न वस्तुओं को किस यंत्र का उपयोग करके पता किया जा सकता है? तो सोनार है, लेजर है, टैकोमीटर है या ओडोमीटर है? जल्दी सी बताइए।
दीपक का आंसर आ गया है सर सोनार है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया भाई सोनार। पानी के अंदर गहराई के ऑब्जेक्टों का पता लगाने के लिए, ठीक है, कि अंदर कोई आइस का पहाड़ तो नहीं है, या अंदर कितनी गहराई है, ठीक है, या कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसकी जांच करने के लिए समुद्री जो जहाज है वो किसका इस्तेमाल करते हैं, एक नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या है, सोनार है बेटा, सोनार, साउंड साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, पूरी फॉर्म लिख लें। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, सोनार का इस्तेमाल किया। यहाँ एक शब्द और लिखा ओडोमीटर, ओडोमीटर किस में होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है बेटा, किस में होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों किस में होंगे, ऑटोमोबाइल्स में होंगे, व्हीकल्स में होते हैं, वाहनों में होते हैं मीटर ये, ठीक है, बिल्कुल सपना, ऑडोमीटर वाहनों में होता है, ठीक है। प्रिया पानू, ए आंसर जिस बच्चे ने उत्तर दिया है, सोनार जिसने भी उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है बेटा, सोनार बिल्कुल क्या है, सही आंसर है आपका। चले आगे, अगला प्रश्न देखें क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, अवतल दर्पण में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है, देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज, पोल से डिस्टेंस पूछी गई है, अवतल दर्पण में आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, वस्तु सी पर रखी है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। एक बात तो ध्यान रख लेना, मिरर और दर्पण से एक प्रश्न पेपर में पक्का पूछा जाएगा, पेपर में क्या पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा। टैकोमीटर शायद हाइट, शायद नहीं, बिल्कुल सही है बेटा, हाइट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। संजय कुमार, गुड इवनिंग। पूनम बिश्नोई, गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चले आगे, तो ये क्या कह रहा है, अवतल दर्पण, इस प्रश्न को ध्यान से समझना, सपना बिटिया ने आंसर भी दे दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है बेटे ये अवतल दर्पण है, एक साइड से क्या रहेगा सर, पॉलिश्ड रहेगा, क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा। अवतल दर्पण का आंतरिक भाग जो होता है ना, इंटरनल, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आंतरिक भाग परावर्तित पृष्ठ होता है। ये क्या हो गई है सर, फोकस दूरी, ये क्या है सर, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान रखेंगे क्या सर, इस सी से लेकर के और इस पोल तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, इस आर की वैल्यू दे रखी है कितनी सर, वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है बेटे, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। मोहित ढांडा नमस्ते भाई, नमस्ते 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 नमस्ते, सभी को नमस्ते, ठीक है, कितनी वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है सर, ऑब्जेक्ट रखा है सी पे, वस्तु कहाँ रखी है सर, सी पे। अगर कॉनकेव में वस्तु को सी पे रखेंगे ना, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा, याद रखना है, बनने वाली जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो भी कहाँ पे बनेगा सर, सी पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा बेटे, सी पे बनेगा, इस पॉइंट पे, ये सी है आपका, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोलेंगे हिंदी में। अब सुन लो, अब सी से और पोल तक की दूरी कितनी है सर, सी से पोल तक की दूरी तो 20 सेंटीमीटर है, और यही इमेज बनेगी, तो इमेज की दूरी भी पोल से कितनी हो जाएगी, इमेज की दूरी भी हो जाएगी सर 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है कॉनकेव के अंदर, किसके अंदर, कॉनकेव लेंस में, अवतल दर्पण में, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में इमेज की डिस्टेंस
क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। कॉन्वेक्स में फोकस दूरी और डिस्टेंस, उत्तल में इसके विपरीत होगा। क्या होगी बेटा? डिस्टेंस क्या होगी सर? पॉजिटिव होगी। क्या होगी सर? पॉजिटिव होगी। सपना ने आंसर भी, हरियाणवी छोरा राम राम भाई, सपना ने आंसर भी दे दिया था, सपना ने आंसर भी दे दिया था। तो जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है आपका। ये कौन सा दर्पण है सर? ये कॉनकेव है। कौन सा है सर? कॉनकेव है। तो कॉनकेव में कितनी हो जाएगी आपकी? हो जाएगी सर 20। और वैल्यू कैसी रहेगी? ये नेगेटिव रहेगी। कैसी वैल्यू रहेगी? नेगेटिव रहेगी। विक्रम सिंह नमस्ते भाई, समझ में आ गई क्या सारी बातें? फटाफट से बताओ। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। कॉनवेव, कॉनकेव, कॉनवेक्स की सारी बातें अब देख लो। अगर कॉनकेव लेंस की, दर्पण की बात करें, तो कॉनकेव के अंदर, अवतल दर्पण के अंदर कुल टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। टोटल कितनी इमेज बनेंगी सर? 6 इमेज बनती हैं। 6 में से 5 प्रतिबिंब कैसे होंगे सर? रियल होंगे, वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? इनवर्टेड होंगे। क्या होंगे? इनवर्टेड होंगे, वास्तविक और उल्टा। कैसे होंगे बेटा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। एक प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर? एक बनेगा सर वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा सर। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगली कंडीशन में अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ले, किसकी बात कर ले? कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ले, उत्तल दर्पण की बात कर ले, तो उत्तल दर्पण में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। 2 इमेज बनेंगी। कितनी इमेज बनेंगी? 2 इमेज बनेंगी। दोनों की दोनों कैसी बनेंगी सर? दोनों की दोनों बनेंगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। क्लियर है? फटाफट से बताएं। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? फटाफट से बता दीजिए जल्दी सी। अशोक दीक्षित गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। एक बार सभी लाडले बच्चे सेशन को शेयर जरूर करें। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ना, सेशन को शेयर किया करो, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, अपने टेलीग्राम पे। मैक्सिमम विद्यार्थियों तक पहुँचनी तो चाहिए क्लास, लगे कि हाँ कुछ आप सीख पा रहे हैं। और मुझे भी, जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज्यादा एक्सटर्नल मैं आपको ज्ञान प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, चलें आगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखो। व्हाट एनर्जी इज फाउंड इन द ड्राई सेल, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जल्दी सी बता दो बच्चों, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जल्दी सी बता दीजिए, जल्दी 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 करिए और बताइए। शुष्क सेल, ड्राई सेल की बात हो रही है। ड्राई सेल कौन सा? जो आप रेडियो वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपका ड्राई सेल है, शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? मैकेनिकल, विद्युत, केमिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? केमिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। संजय, सपना बिल्कुल सही, ठीक है। सुनील बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी? केमिकल एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी पाई जाती है? केमिकल एनर्जी पाई जाती है। कौन सी एनर्जी पाई जाती है? केमिकल। प्रीति, नरपाल, प्रिया, अशोक, सभी के आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन आपका उत्तर रहेगा। और याद रखेंगे, ड्राई सेल में जो केमिकल होता है ना, उससे क्या बनती है? केमिकल एनर्जी। और ये जो केमिकल एनर्जी है, ये जो केमिकल एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी प्यारे बच्चों एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती है। केमिकल एनर्जी एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया ना, तो फिर ये ड्राई सेल कोई काम का नहीं है आपके लिए। फिर ये ड्राई सेल या शुष्क सेल फिर कोई काम का नहीं रहेगा। फिर आपके लिए ये कोई काम का नहीं रहेगा। समझ में आया? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि,
स्टील की जो गोली होगी वो पारे में क्या करेगी, फ्लोट करेगी, पारे में तैरेगी बेटा। ऐसा क्यों होता है जल्दी सी बताइए, क्या कह रहा है आपका प्रश्न? कह रहा है बेटे स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पारे की डेंसिटी स्टील की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तीसरा ऑप्शन, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। चौथा ऑप्शन, ऑप्शन उपयुक्त में से सारे के सारे। फटाफट से बता दो संजय, प्रीति, दीपक, नरपाल। अरे वाह, कमाल कर दिया भाई, सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं आप। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा बेटा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। पारे का गंतव्य स्टील के गंतव्य से, पारे का गंतव्य स्टील की अपेक्षा ज्यादा होता है बेटा। पारे की डेंसिटी, डेंसिटी जो होती है ना वो ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो चीज डूब जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगी तैरेगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। गुरमीत, रवि, ऑप्शन बी सही है। देखो पारे इसको दूसरे तरीके से भी ऑप्शन को लिख सकता था, कैसे लिख सकता था, इस तरीके से लिख सकता था कि इसको ये कह सकता, पारे का गंतव्य स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ये भी ऑप्शन लिखा जा सकता था, स्टील का गंतव्य पारे की अपेक्षा कम होता है, स्टील का गंतव्य पारे की अपेक्षा कम होता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। हाँ बिल्कुल रवि चौहान, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, पारे का जिस चीज की डेंसिटी कम होगी, याद रखेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी ना वो हमेशा ही क्या करेगा, तैरेगा लिक्विड के ऊपर। क्या करेगा बेटा? लिक्विड के ऊपर तैरेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है, समझ आया सभी बच्चों को? चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है देखो, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान अर्थ के ऊपर 30 किलोग्राम है, देन इट्स मास ऑन द मून, चंद्रमा पे इसका मास कितना होगा? यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? फटाफट से बता दो, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? फटाफट से बताइए जल्दी से, आदित्य चौधरी फटाफट से बताइए जल्दी से, चंद्रमा पर इसका मान कितना होगा जल्दी से बताइए बेटा। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर अगर तुमने ढंग से नहीं दिया तो फिर मजे वाली बात नहीं। राव संजय कुमार, आपसे उम्मीद नहीं थी बेटा मेरे को, ये मास चेंज नहीं होता। अरे वाह, सपना बड़ा इंटेलिजेंट बच्ची है भाई। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, 30 ही होगा, बिल्कुल एक सपना का उत्तर सही है। आदित्य चौधरी ने भी सही आंसर दिया है भाई, बाकी सारे यूं ही टोरे मार रहे हैं ना। देखो क्या ऑप्शन, क्या बेटे ऑप्शन 30 आपका राइट आंसर रहेगा। ये सपना वही बच्ची है, कल एक लड़का मेरी क्लास में, पूरे दिन मेरी क्लास लगाई थी कल, उसने जीके भाई संदीप शिवा चैनल पे मेरी जो कल मैराथन थी ना, वो उस लड़के ने पूरी क्लास लगाई थी। अनिल भाकर नाम से एक बच्चा था, लगभग 6 घंटे की क्लास में मेरे हिसाब से 3 या 4 प्रश्न उस बच्चे ने गलत किए होंगे, बाकी कमाल का स्टूडेंट। और ऐसे ही सपना बेहतरीन तरीके से, मेरी जो अच्छी शिक्षा पे 12 घंटे वाली क्लास हुई थी ना, इस बच्ची ने अगर हमने 2000 प्रश्न करवाए ना तो लगभग 1800 प्रश्नों के आंसर जो है वो सही दिए थे। कमाल का बेटा, ये बच्चे जरूर जॉब लगेंगे भाई, ये बच्चे इतनी मेहनत जो बच्चा करता है ना वो बेहतरीन तरीके से, मतलब सक्सेस उनके कदम जरूर चूमेगी, ये मेरा वादा है। और आप सारे बच्चे मेहनत करें तो कामयाबी दौड़ करके आपके पास आएगी, आपको मंजिल तक जाने की आवश्यकता नहीं है, मंजिल खुद चल करके आ जाएगी अगर हम में दम होगा तो। समझे ना बात? तो वो आप पे डिपेंड करता है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चले आगे, चले बेटा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है तब चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? चेंज नहीं होगा। देखो वेट भार बराबर किसके होता है? मास इनटू ग्रेविटी के। तो मास डज नॉट चेंज इन एवरी प्लेस, मास जो है वो डज नॉट चेंज। इन एवरी प्लेस
आप कहीं भी चले जाएं, मास के अंदर किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन जो ग्रेविटी है, जो जी है आपका, वो क्या होता रहता है बेटा, चेंज होता रहता है। जी प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा। अभी बताया अर्थ के पोल पे अलग होगा, ऊपर जाएंगे अलग होगा, नीचे अलग होगा, सेंटर पे जीरो होगा। तो मास धरती पे इसका 30 है, तो चंद्रमा पे 30 रहेगा, क्योंकि हमने कहा मास डज नॉट चेंज, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सर मैंने आपकी पहली बार क्लास की है, रवि चौहान थैंक यू भाई, थैंक यू। सारे बच्चे सेशन को शेयर जरूर किया करो। 6 गुणा वाला सिस्टम समझ लिया? अरे संजय यही तो भूल कर दी, वो ग्रेविटी समझ बैठे आप। क्या समझ बैठे? ग्रेविटी समझ बैठे, तभी आपने तो 5 उत्तर दे दिया। 5 को 6 गुणा कर दोगे 30 हो गया। सोनाली धीमान गुड इवनिंग बेटे, अभी भी ड्रिप लगवा के आई हूँ सर, तबीयत खराब रहती है बट एग्जाम है पास में। बिल्कुल सपना, हमारी ऊपर वाले से दुआएं कि आपका स्वास्थ्य बड़ा ही जल्दी जो है ठीक हो जाएगा और आप जो है अच्छे तरीके से पेपर को कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन निर्धारित करेंगे। ये हमारा आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या पूछा है? रेडियो धर्मी तत्व उत्सर्जित नहीं करते। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किन, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको इमिट नहीं करते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको इमिट नहीं करते रेडियो एक्टिव एलिमेंट? फटाफट से बताओ। इलेक्ट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियस, पॉजिट्रॉन या प्रोटोन? जल्दी सी बताइए, जल्दी सी बताइए। तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पॉजिट्रॉन को इमिट नहीं करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम वगैरह एलिमेंट। क्या नहीं करते बेटा? पॉजिट्रॉन, रेडियो धर्मी तत्व उत्सर्जित नहीं करते। किसको? पॉजिट्रॉन को। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने। यह भी याद रखेंगे, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी बेटा? हेनरी बैकरेल ने की थी। समझ में आ गया? सुनील भाई ने सी ऑप्शन उत्तर दे दिया है, तो सही है भाई सुनील, कनेडी से सुनील, सी उत्तर आपका सही है। यशोदा, सी उत्तर आपका सही है। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। सिलिकन इज, सिलिकॉन है, सिलिकन क्या है? फटाफट से उत्तर दो, फटाफट से उत्तर दो। सिलिकन क्या है बेटा? सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है या इलेक्ट्रिक रजिस्टर है? फटाफट से बता दो। तो सिलिकन जो है आपका वो क्या है बेटा? एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर, चालक और अचालक से, चालक और आपका जो क्या कहते हैं कुचालक, चालक और कुचालक, चालक और कुचालक से मिलकर के बनता है क्या बेटा? सेमीकंडक्टर। क्या बनता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसका यूज होगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गीता सेमीकंडक्टर सही उत्तर है भाई। आदित्य चौधरी का, निकू का, दीपक का, जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन उत्तर है वो बिल्कुल सही है। जिन जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया है उत्तर, वो बिल्कुल क्या है प्यारे बच्चों? सही है, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाए, यानी कि ऑल मेटल पारे को छोड़ करके। इंसुलेटर वो है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, जिस तरीके से क्या हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सारे क्या हैं बच्चे? इंसुलेटर हैं। सारे क्या हैं? इंसुलेटर हैं। सिलिकन में लिखेंगे, नोट डाल के विशेष बात लिखनी है आपको, क्या? कैटेनेशन पावर, कैटेनेशन पावर। हिंदी में बोलेंगे श्रृंखलन समता, किसी चीज के साथ जुड़ने की क्षमता को बोलते हैं श्रृंखलन क्षमता। सर्वाधिक किसकी होती है श्रृंखलन क्षमता? सबसे ज्यादा किसकी होती है? कार्बन की। दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे, दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर क्या रहेगा बेटा? सिलिकन रहेगा। क्या रहेगा बेटा? सिलिकन रहेगा। दूसरे स्थान पर क्या रहेगा? सिलिकन रहेगा। नहीं, कमेंट डिले नहीं है बेटा लाइव पे, कमेंट मुझे दिख रहे हैं, जब मैं देख रहा हूं तो दिख रहे हैं मुझे कमेंट।
हाँ बिल्कुल, आर्सेनिक में, आर्सेनिक पॉइजन नहीं होता लेकिन लाइक एज ए पॉइजन बिहेव करता है आर्सेनिक। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं। श्रृंखलन क्षमता का मतलब जिस तरीके से एक कार्बन, मैंने लिखा यहां पे C6H14, एक कार्बन अपने वाले कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या बना सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। क्या बना सकता है बेटा, बॉन्डिंग बना सकता है, और बॉन्डिंग से क्या बनेगी, एक चेन बनेगी, एक श्रृंखला बनेगी, और इसी श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, कैटेनेशन पावर। क्या कहते हैं बेटा, कैटेनेशन पावर कहते हैं। यही श्रृंखला बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, कैटेनेशन पावर कहलाती है। सर्वाधिक किस में होगी ये, तो ये सर्वाधिक होती है सर कार्बन में। किस में होती है, C6H14। गिन के देखो C6H14 है क्या, फटाफट से बताइए। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ, तो कार्बन के अंदर बॉन्डिंग होती है बेटा। किस प्रकार का बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कार्बन की वैलेंसी पूछ ली जाए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता होती है सर 4। किसी भी एलिमेंट को बैलेंस होने के लिए ऑक्टेट रूल, अष्टक के नियम को फॉलो करना पड़ता है, और ऑक्टेट रूल में याद रखेंगे किसी भी एलिमेंट की जो आउटर सेल होती है बाहरी कक्षा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है और 2 होना अनिवार्य है। या तो 2 हो या 0 हो या 8 हो, 0 होता नहीं किसी में। तो जो 2 है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट में होगा, 118 में से, किसमें, हाइड्रोजन में। बाकी सभी में क्या होना चाहिए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए गए तो समझ लेना प्यारे बच्चे, अगर बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो आप समझ ना कि वो बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो कार्बन को बैलेंस होने के लिए शेयरिंग का सहारा लेना पड़ता है, या तो अपने इलेक्ट्रॉन दान करेगा या किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसी शेयरिंग को बोलते हैं बॉन्डिंग सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया क्या सभी को, फटाफट से बताओ। सर आपकी इंस्टा आईडी मिलेगी भाई, इंस्टा आईडी क्या क्या करोगे, इंस्टा उंस्टा में चलाता ही नहीं। ठीक है, ये जो इंस्टा चलाते हैं ना, ये सारा टाइम इंस्टा पे ही खराब करते हैं। जितना टाइम ये इंस्टा आईडी पे खराब कर रहे हो, उतना टाइम पढ़ाने पे लगा दो तो कामयाबी नहीं मिल जाएगी। सर इंस्टा आईडी मिलेगी, कमाल कर रहे हो। ये बताओ ना कि सर प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, इंस्टा आईडी बताएगी क्या प्रश्न। रवि चौहान है, चले आगे, चलें अगला प्रश्न देखो क्या कहता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजरिंग द स्पीड एंड रेट फ्लो ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन ए पाइप। कह रहा है कि किसी पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए, प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए फटाफट से, जल्दी से फटाफट से बताइए। हमने कहा बेटा ये पाइप है, हमने क्या कहा बेटे, ये पाइप है। इस पाइप के अंदर ये क्या है प्यारे बच्चों, सर कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है, कोई फ्लूड है, कोई क्या है, लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है, लिक्विड है जो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, प्रवाह कर रहा है, बह रहा है। तो इसके प्रवाह की क्या बतानी है बेटा, इस लिक्विड की स्पीड, इसकी गति और इसकी रेट, यानी कि इसकी दर को मेजर करने वाला यंत्र कौन सा है, ओडोमीटर, मैकमीटर, क्रायोमीटर, वेंचुरी मीटर, फटाफट से बताओ। राव, संजय कुमार, सपना, दोनों बच्चों ने सही आंसर दे दिया भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत से बच्चों ने सही उत्तर दिया है, फटाफट से बताइए। फटाफट से बताइए।
अगला प्रश्न क्या कहता है देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है, जल्दी बताइए फटाफट से बताइए। किसे परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सपना, जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन को का क्या कहा जाता है? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का पिता। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का पिता किसे कहा जाता है? जॉन डॉल्टन को। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का पिता किसे कहा जाता है? जॉन डॉल्टन को कहा जाता है। 1 घंटे की क्लास थी हमारी, ये 1 घंटे की क्लास में मजेदार तरीके से बहुत से प्रश्न हमने क्या किए, डिस्कस किए। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन उत्तर दिया है, जॉन डॉल्टन, बिल्कुल सही है। सेशन को शेयर जरूर किया करें, क्लास को जितने विद्यार्थियों तक आप पहुंचाएंगे ना, उतना ही ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। मैं भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊंगा, नॉर्मल से लेकर के हायर लेवल तक के प्रश्न, और आपको पढ़ के यूं लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है, कंटेंट प्राप्त किया है, साइंस और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। समझ में आ गई ना बात? तो आज के लिए इतना ही, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। एक बार सारे के सारे लाडले बच्चे कमेंट करें और बताएं क्लास कैसी रही, सारे प्रश्न समझ में आए क्या, मेरा समझाने का तरीका भी समझ में आया क्या, जल्दी सी बताइए। और डेली 7 o'clock लाइव जरूर आ जाया करें, डेली 7 o'clock सारे के सारे बच्चे जो हैं वो लाइव जरूर जुड़ जाया करें और शेयर कर दिया करें क्लास को, ताकि डी ग्रुप के पेपर में आने वाली 15 नंबर की जो साइंस है उसमें से आप 15 के 15 प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, कल फिर मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू प्यारे बच्चों।